सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट ब्लॉग। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस, जिसमें हम शूट करते हैं डांस की वीडियोस और काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं और शूट करते हैं। सो ये रही मेरी बीस्ट KTM 125 RC और ये रहा मेरा पार्टनर पीयूष गुप्ता। सो गाइस, आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। सो आप लोग अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, ऐसे हम लोग 6 बजे निकल जाते हैं, लेकिन आज हमारा 6:30 बज रहा है। सो निकलते हैं अब और मिलते हैं आपको आगे रास्ते में। तो बाय बाय। तो गाइस, हमारे घर से जो मतलब बुंदेलखंड हाईवे है वो 10 किलोमीटर पे है। तो हम लोग अभी अपनी गाड़ी को ना बिल्कुल आराम से चला के जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जानवरों का बड़ा खतरा रहता है। यूपी में हम लोग रहते हैं तो इधर पे जो गाय है ना वो काफ़ी ज़्यादा रोडों में आ जाती है, जानवर आ जाते हैं, तो इसकी वजह से हमको धीम चलाना पड़ता है। तो आप लोग नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी सारे आपको जानवर दिख रहे होंगे रास्ते में। और ये गाइस देख सकते हैं कि देखिए कुत्तों का झुंड जा रहा है। क्या बोला तूने? अरे रास्ते में ये देखिए, इनका कोई भी भरोसा नहीं रहता, तो इसलिए आप सेफ राइड करें और जानवरों से थोड़ा बचा के चलें। तो ये बड़ी अच्छी बात कही है यार। गाइस मैं आपको बता नहीं सकता क्या व्यू है, आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है इस एरिया में। अगर आप अगर टेम्परेचर है बाहर साइड में तो यहाँ पे मिनिमम 29 या फिर 30 टेम्परेचर हो सकता। अच्छा ठीक है, समझ गया। सो गाइस आप लोग पेड़ लगाएं और पेड़ काटने से रोकें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गाइस तो जो KTM गाड़ी है ना गाइस, ये बैलेंसिंग के मामले में मतलब नेक्स्ट लेवल है गाइस। और जो पब्लिक रिएक्शन मिलता है गाइस इस गाड़ी का, तो ये आप खुद देख सकते हैं, लोगों के चेहरे देखिएगा। गाड़ी भाई निकल गई, तो आप देख ही सकते हैं कि मजा आया। सो गाइस आपको इधर से अगर आपको दिख रहा होगा तो ये आ गए हैं हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस। सो जो कि बुंदेलखंड की शान एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट एक्सप्रेस ट्रेन फॉर लॉन्ग ड्राइव। और ये इतना शानदार बना हुआ है कि मैं कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं थे। आप बोल ले मेरा चोर। तो गाइस फाइनली हम लोग अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो नज़ारा है ना पीछे का, सुंदर दिख रहा होगा कि आपको पहाड़ों में क्या कहते हैं एकदम बादल से लग रहे हैं। तो गाइस मैं बता दूं कि ये बादल नहीं है, ये एक्चुअल में धूल है। पैसा बर्बाद पहन। सॉरी फॉर दिस जोक, ऐसे शानदार लग रहा है आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सीरियसली जब आप सामने से देखेंगे एकदम बादल जैसे ही दिखेगा। और ये रहा लोकेशन जो हम इधर पे वीडियो शूट करते हैं। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं फॉलो किए हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, साहिल सुरेश गुप्ता नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, आपको सिंपली सर्च करने में मिल जाएगा। सो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेशनल हाईवे का सीन। सो मिलते हैं। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं अब नेशनल हाईवे में। इसरे में है 50 पार कर दिया है, 60 पार कर दिया, 64 हो भाई साहब। हाँ ये कर लो पहले। 70 क्रॉस हो गई गाइस, 70 ये ब्लॉग अभी यहाँ पे एंड करना होगा और बहुत जल्द दूसरा ब्लॉग आने वाला है। सो मिलते हैं बहुत जल्द। और जो कोई भी नया चैनल में है प्लीज़ आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और बाय बाय, लव यू।